तेरे खुदा कुछ राह तो दिखा। क्या दे रही है मीरा तुम्हें? 10 लाख रुपए और दुबई जाने का टिकट भी। 10 लाख? तुम जैसी पागल की इस घर में कोई जगह नहीं है, निकलो। साहब छोड़े क्या करें साहब, साहब मेरा बेटा, मेरा बेटा। कोई नहीं है तुम्हारा, हसन मेरा बेटा है, मेरे साथ रहेगा। मैं उसको लेके जाऊंगी, हसन जाओगे। छोड़ो छोड़ो मुझे, क्षमा करो, निकलो यहाँ से। तेरे खुदा कुछ राह तो दिखा। वालेकुम सलाम। तुम घर नहीं आई वापस? नाराज हम तक समझ में, जानता हूं कि तुम जान पूछ के करके गई थी ताकि मुझे प्रेशराइज कर सको। अरे बाबा मजाक कर रहा हूं, समझ मेरे रवैये ने तुम्हें हर्ट किया जिसकी वजह से तुम घर छोड़ के गए। अगर तुम भी मेरे साथ इस तरह करोगी और मेरे मुकाबले में आके खड़ी होगी तो यार कैसे बचेगा हमारा रिश्ता? हाँ बाबा हाँ, मैंने हथियार डाल दिए। मैं अपनी प्यारी सी बीवी को घुट घुट के जीने नहीं दे सकता। जी मैडम, मैं आपको लेने आ रहा हूं, मैं अपनी समन को लेने आ रहा हूं वापस। तो यार ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एटलीस्ट मुझे इतला तो कर देती। मीरा और अम्मी की तो हालत बहुत खराब होगी। चलो तुम फिक्र नहीं करो, मैं आ रहा हूं। हाँ हाँ बाबा, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूं। भाभी खैरियत तो है ना? आपने इस तरह रात को फोन करके क्यों बुलाया? बस अस मैं ये समझो कि मुझ पे तो जैसे क़यामत टूट पड़ी है, इसी वजह से इस वक्त मैंने आप लोगों को ज़हमत दी। अरे भाभी इसमें ज़हमत की क्या बात है, आप कभी भी हमें याद कर सकती हैं, हम हाजिर हैं। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं बल्कि मीरा को हम सबकी जरूरत है। हम सबको मीरा के घर जाना है। भाभी प्लीज खुल के बात करें ना, अब क्या हुआ? घर फोन किया था मैंने तो उस मासी ने बताया कि साहिम ने मीरा को घर से निकाल दिया। क्या साहिम ने मीरा को घर से निकाल दिया? साहिम पागल तो नहीं हो गया? शायद पागल ही हो गया है, हद कर दिया साहिम ने। भाभी भाभी हमें फौरन इसी वक्त मीरा से मिलना चाहिए, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अस्मा प्लीज इतनी जज्बाती मत हो, देखो बात समझने की कोशिश करो। और यही बात मैं नायला को समझा रहा था, हम जाएंगे मीरा के यहाँ, जरूर जाएंगे, लेकिन रात हो चुकी है, इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है। इनफैक्ट तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते, रात यहीं गुजार लो, फिजा भी खुश हो जाएगी और कल सुबह हम सब इकट्ठे चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम सबको एक बात का फैसला करना होगा। कैसा फैसला भाभी? हसन हसन देखो ये मेरा 8वां चक्कर, अगर अब दरवाजा नहीं खोला ना तो इतना मारूंगी कि याद रखोगे। मैं
कह रही हूँ दरवाजा खोलो हसन। क्या हुआ, खोला उसने? नहीं देखे ना, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, अंदर बैठा बदतमीजी कर रहा है बस। हसन दरवाजा खोलो, हसन चाबी है मेरे पास, लेके आता। हसन बेटा दरवाजा खोलो, हसन क्यों खोला आपने मेरी इजाजत के बगैर मेरे रूम का लॉक? बेटा काफी देर से भूखे हो तुम, कुछ खा तो लो। मुझे कुछ नहीं खाना, आप दोनों जाएं यहां से। बेटा कब तक करते रहोगे इज्जत इस तरह? जब तो मेरी मामा मुझे लेने नहीं आ जाती। निकाल दिया ना आपने मेरी मामा को घर से, मैं छोटा हूं ना, आपको रोक नहीं सका, अपनी मामा के पास नहीं जा सका। लेकिन जब मेरी मामा पुलिस लेके आएगी ना, फिर मैं देखता हूँ मुझे कैसे रोकते मेरी मामा के पास जाने से। अपनी उम्र से बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा मुझे आप दोनों से बात करनी नहीं है, जाएं दोनों। अच्छा कुछ खा तो लो ना तुम। सैम छोड़े ना बच्चा है, इतना परेशान मत हो। आप दोनों यहाँ से नहीं जा रहे ना, ठीक है अब मैं दादी के रूम में जा रहा हूँ, और अब आप लोग वहां नहीं आइएगा। हसन हसन कोई बात नहीं बच्चा है, आप परेशान मत हो। अच्छा कोशिश करना कुछ खा तो ले। ये ले दवा खा ले। नहीं खानी मुझे दवा। खा लेना, अभी नर्स आकर पूछेगी और मैं कहूंगी नहीं खाई तूने दवाई तो बातें सुनाएगी। मत सुनना उसकी बातें, चली जा घर। तू मुझ पर क्यों भड़क रहा है? समीना समीना मुझे यहाँ नहीं रहना, कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकाल, मैं घर जाके आराम कर लूंगा। अभी डॉक्टर तुझे एक दो दिन रखेगा यहाँ पर। नहीं रहना मुझे यहाँ पे, डॉक्टर को बोल के मैं तो छुट्टी दे, जहर वाला इंजेक्शन लगा के। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ पागल हो गया हूँ मैं, बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे ऐसी मोहताजी वाली जिंदगी। तो को संभाल ना। बोला था ना नहीं रहना मुझे यहाँ पे, निकाल मुझे यहाँ से। समझा तू ऐसे कह रहे जैसे ये सब कुछ मेरे हाथ में हो, डॉक्टर इतनी जल्दी तुझे छुट्टी नहीं देगा। अरे कैसे नहीं देगा, उसको बोल हमारे पास ना दवाई के पैसे है ना इलाज के पैसे है, खुद ही छोड़ देगा। बल्कि तू छोड़, तू जा, मैं खुद ही। अच्छा कुछ करता हूँ। क्यों तू क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है? मैं करती हूँ कुछ। तुझे बोला है ना मुझे घर जाना है, मुझे घर क्यों नहीं लेके जा रहे, मुझे घर लेके जा। देख तेरी अम्मा और मेरा अब्बा गया ना बात करने डॉक्टर से, तू जल्दी घर आ जाएगा। बाहर में गई सारी बातें बातें, मुझे बस घर ले जाए। संभाल ना, जा अपना काम कर। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा
यही सी बातें पूछता है ये दिल, कैसे करूं मैं ये बयां, दर्द दिया क्यों ए खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा। जानी रानू पे खड़ा है ये दिल, हमसे हुई थी क्या खता, टूट गया ये घर, बिखरे हुए हैं हर जगह। टूट गया है ख्वाब का ये घर, बिखरे हुए हैं हर जगह। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना, मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। टाइम ने मीरा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। इस बात का जवाब तो आपको सायम अच्छा दे सकते हैं। अंदाजा है तो फिर रोक लें सायम को, जो कर सकते हैं वो करें। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतनी बार सायम ने आपको इस घर से धक्के देकर जलील करके निकाला, लेकिन आप लोग हैं कि इस घर का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। हसन ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से सैंडविच बनाए, चलो नाश्ता कर लो। नहीं खाना मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता। बदतमीजी मत करो, चलो खाओ। शाबाश। नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। हसन बेटा जिद मत करो, आपने रात से कुछ नहीं खाया ना, थोड़ा सा खा लो। करूंगा सिद, जब तो मेरी मामा मुझे यहाँ से लेने नहीं आ जाती। स्कूल भी सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी मामा मुझसे मिलने आएंगी। कोई नहीं आएंगी वो स्कूल तुमसे मिलने के लिए, और ना ही तुम्हें छोड़ने जाएंगी, मैं खुद तुम्हें छोड़ूंगा। सायम ये तो बच्चा है, जो करना होगा कर लेगा, बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते, बहुत बुरा होगा।
करूं मैं इसका? जो होना होगा हो जाएगा, अभी आप जाएं उसे स्कूल छोड़ें, उसे स्कूल के लिए देर हो रही है। ठीक है, मैं आपकी बात सारी समझ चुकी हूँ, लेकिन वेरिफिकेशन के बगैर तो मैं हसन को आपके साथ नहीं भेज सकती जब तक वेरिफिकेशन ना हो जाए। देखें, अगर आपको किसी वेरिफिकेशन की जरूरत है तो मेरे पास उसका बे फॉर्म, मेरा आईडी कार्ड, आप टैली कर लें सब कुछ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपकी मिसेज आपके साथ आ जाती तो हर बात क्लियर हो जाती और हमारे लिए भी आसानी हो जाती। यानी आप हसन को मेरे साथ नहीं जाने देंगे? सॉरी, आज हसन को मैं आपके साथ नहीं भेज सकती। आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, करप्ट शौहर, मासी से निकाह, जिसने आपको घर से निकाल दिया, यहां तक कि आपका बच्चा तक छीन लिया, ये सारी बातें आपके हस्बैंड के फेवर में नहीं जाती। और अब जबकि इस वक्त आपका बच्चा आपके साथ रहना चाहता है, इसके लिए तो हम साइम पर जबर का केस भी दायर कर सकते हैं। मुझे खुला के केस के साथ साथ कस्टडी का भी केस फाइल करना है, और जल्दी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका बेटा आपके साथ होगा। बस मुझे जल्द से जल्द अपना बेटा वापस चाहिए। आप आज से ये काम शुरू कर ले, मैं देर नहीं करना चाहती। ऐसा ही हो, अब मुझे सलाम अलैकुम वकील साहिबा। शुक्र। बैठो। बाहर समर ने जब सब कुछ बताया तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि तुम्हारा सामना कर सके। नहीं भाभी, इसमें आप सबका क्या कसूर है? आपने मेरा थोड़ी कोई नुकसान किया। ये तो तुम्हारा बड़ापन है मेरा, ना जो साइन ने किया उसकी तो कोई माफी नहीं। लेकिन थैंक यू कि तुम फिर भी हमारी इज्जत करती हो। आप सबसे दिल का रिश्ता है और हमेशा रहेगा। तुम्हें बहन कहा है मेरा, और मेरा अल्लाह गवाह है, हमेशा आसमा की तरह ही समझा है। ये आपका बड़ापन है अमजद भाई। एक बार पहले भी तुमने साइम को माफ कर दिया, अम्मी भी थी और हम सब के दबाव में आकर तुमने हमारा मान रखा। लेकिन मैं वादा करता हूं मीरा, इस बार तुम्हें किसी भी फैसले पर मजबूर नहीं करेंगे। बहुत अच्छा फैसला किया है आप सब। मजबूरी में किए गए फैसले कभी खुशी नहीं देते। याद रखना कि हम सब तुम्हारे साथ। शुक्रिया भाभी। बस अम्मी के कत्ल का सुराग चाहिए। अम्मी का कत्ल? सुरा, ये क्या कह रही हो मीरा? बस अब सबूत आने की ही देर है। कौन सा सबूत, कैसा सबूत, और ये सबूत किससे हासिल करना है? देखो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अमजद भाई, पहले मुझे अकेले कोशिश करने दे, फिर मैं आप सबको इन्वॉल्व कर लूँ। तो मेरी माँ का कत्ल हो गया और मैं उनकी हादसाती मौत का गम मनाता रहा? और इस सारी हकीकत से वाकिफ है? अगर वो वाकिफ हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमारी बात का एतबार नहीं करेगा। इसलिए जब तक कि कोई सबूत नहीं मिल जाते ना, उससे बात ना करना ही बेहतर है। बाहर में जाए यकीन, वो माने या ना माने, मैं अपनी माँ की कातिल को जिंदा नहीं छोड़ सकता। अमजद भाई, आपके जज्बातीपन से मेरा बना बनाया काम खराब हो जाएगा। बस मुझे एक मौका दे, मैं कोशिश करती हूँ, फिर मैं आप सबको इन्वॉल्व कर लूंगी। मैंने कहा ना, ये बहुत ही मुश्किल है। एक बहन की इल्तिजा समझे, हम सबसे हमारी माँ छीनी गई है। मुझे भी उतना ही दुख है जितना आप लोगों को है। और फिर मेरे ऊपर जो दाग लगे हैं, मुझे उनको भी तो धोना है। बस एक मौका चाहिए मुझे। कहाँ मालकिन बनने के ख्वाब देखे थे, और यहाँ तो मासी की छाप ही नहीं उतर रही।
ये गद्दारी, ये गद्दारी नहीं तो और क्या है। पूछ अपने शोहर से, इसका और तेरी सास का पासपोर्ट मीरा की अलमारी में क्या कर रहे थे। तुझे ही चूना लगा के भागने की तैयारी में थे ये लोग। अब आप मुझे अपने साथ ले जाइएगा, मुझे आपके साथ रहना है। नहीं, वो जानी आपको बहुत जल्द अपने साथ ले जाऊंगी। ओके तेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। मेरा बेटा, किसे फोन कर रही हो? इमरान को फोन कर रही हूँ, उसका फोन बन जा रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना, हो सकता है उसका फोन चार्ज ना हो। अच्छा ये बताओ कि प्रिंसिपल से बात हुई तुम्हारी? जी, कॉल किया था उन्होंने। साइम जब सुबह में हसन को ड्रॉप करने गए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ वही पिक करेंगे। जाहिर है, वो इससे ज्यादा और कर भी क्या सकता है। उसे मैं परेशान हो रही थी कि हसन तुम्हें याद कर रहा होगा। अच्छा जा कहाँ रही हो बेटा? मजीद देर नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ ना बेटा। अम्मी, मेरा अकेले का सफर है, अकेला ही चलना पड़ेगा। कॉल कर लूंगी आपको। खाएगा बता मुझे, जो तू कहेगा ना मैं बना दूंगी। कितनी बार बोला है मैंने, मुझसे ऐसी बातें मत किया कर जिससे मुझे मेरी मोहताजी का एहसास हो। मैं तो तुझसे वैसे ही पूछ रही थी। अरे ऐसे कैसे पूछ रही है, खाना खिलाएगी तभी दवाई का वक्त आएगा ना। अरे कुछ नहीं खाना मुझे, तुम दोनों मेरी जान बख्शो। देख इमरान, हम तुझे अस्पताल से इस शर्त पर लाए थे कि तू अपना ध्यान रखेगा। अगर तू खाना नहीं खाएगा तो फिर दवाई कैसे लेगा और ठीक कैसे होगा? और ठीक होकर क्या करूंगा मैं? तुझे दिखाई नहीं देगा कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। मुझे उड़ने की चाह में मैं इतना नीचे गिर चुका हूं कि मैंने अपनी ठांगी भी गवा दी। तुझे ठीक होने की पड़ी। बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है तुमरान भाई। ऊंचा उड़ते उड़ते तो वाकई बहुत नीचे गिर गया। ये कैसी बातें कर रही है तू सहर? तुझे भाई कहा ही नहीं, भाई समझा भी था, और तू तू मुझे ही ब्लैकमेल करके भागना चाह रहा था। लेकिन देखना, अब तो तू चलने के भी काबिल नहीं रहा। ये जली कटी बातें सुनाने आई है तू? अंधी हो गई क्या? देख नहीं रहा उसकी क्या हालत है? अंधी मैं नहीं, अंधी तू हो गई है। और देखने की तुझे जरूरत है कि तेरा प्यारा शौहर तुझे ही चूना लगा के यहाँ से भाग रहा था। तूने अपनी बहन से गद्दारी की ना इसके लिए, और तुझे इसने क्या सिला दिया? ये गद्दारी नहीं तो और क्या है। पूछ अपने शोहर से, इसका और तेरी सास का पासपोर्ट मीरा की अलमारी में क्या कर रहे थे। तुझे ही चूना लगा के भागने की तैयारी में थे ये लोग। क्या है ये? तूने तो कहा था कि हमारे पासपोर्ट अभी तक नहीं बने। अम्मा को कब शामिल किया तूने इस सब में? ये क्या जवाब देगा तुझे?
क्योंकि इसके पास तो कोई तुझे जवाब देने के लिए है ही नहीं ना। मुझे तो लगा था कि ये तुझे अपने सारे प्लान के बारे में बताता है, लेकिन तेरी बातों से लग रहा है कि इस बार इसने तुझे भी चूना लगा दिया। अब तू बैठ और आराम से सोच, अपने इस शौहर के लिए तूने अपनी बहन के साथ गद्दारी की ना, मैंने तेरे साथ क्या किया और तूने क्या किया मेरे साथ, तुझे याद तो होगा ना अच्छे से। अब्बा तुझे उस जवारी के पल्ले बांधना चाहता था, तेरी शादी करवा, उस वक्त तुझे बचाने वाली मैं थी, मैंने तुझे इस इमरान के साथ भगाया ताकि तू खुश रहे, तुम दोनों एक हो सको, और तूने तूने बदले में क्या किया मेरे साथ, इससे तो मुझे कोई गिला है ही नहीं क्योंकि ये तो मेरा अपना नहीं है। लेकिन तू तू तो मेरी सगी थी ना, फिर भी तूने ये सब कर दिया मेरे साथ। सबूत के नाम पे जो फोन था ना तुम्हारे पास, वो टूट गया तो कोई सबूत नहीं बचा। खैर जाते जाते एक बात बता, आज से तुम दोनों मेरे लिए मर गए और मैं तुम दोनों के लिए। कहाँ से आ रही हो? मैं वो समीना से मिलने गई थी। क्यों मिलने गई थी? कितनी बार तुम्हें मना किया कि तुम्हारा वहां जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता उन लोगों से मिलना। वो तो मैंने सुना था कि इमरान भाई और मीराबाजी के बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए गई थी उनसे मिलने। यानी तुम्हें भी पता इस बात का? वो तुम्हें कुछ नहीं बताया। इसका मतलब आपने भी पूछने की कोशिश की थी उनसे? हाँ बताया तो उसने मुझे भी कुछ नहीं। बताएंगे भी नहीं वो, लेकिन इमरान भाई को देखकर बड़ा ही अफसोस हुआ और हिम्मत भी नहीं हुई कुछ पूछने की। क्यों, क्या हुआ? इमरान भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो अपाहिज हो गए। क्या, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ फिर अब? अब क्या, बस यही है, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। खैर आप कहीं जा रहे थे? हाँ हाँ वो एक काम था मुझे, और वो हसन को भी तो स्कूल से पिक करना है। ठीक है मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं 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 तुम रुको यहाँ, ले जाए ना मुझे भी साथ। वो तुम्हें पता है ना, वो हसन की प्रिंसिपल को तुमसे थोड़ा सा मसला है, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें लेके जाऊँ कुछ और इशू हो। अच्छा जरा दरवाजा ठीक तरह से लॉक कर लेना।
I can't believe it. साइम इस हद तक कैसे गिर सकता है? साइम किसी ऐसी लड़की के साथ कैसे रह सकता है जिस पर उसकी मां की कत्ल का शुबा? Sometimes ना साइम की हठधर्मी, मुझे अपने आप पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। साइम ने मीरा और हसन के साथ जो करना था सो किया, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है कि अपनी मां के कातिल को ढूंढने की बजाय वो सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा है? कैसे कर सकता है साइम ऐसा? तुम्हारी बात हुई थी ना साइम से, तुमने समझाया नहीं अपने भाई को कि वो जमाने भर में क्या करता फिर रहा है? समझाना चाहिए था ना तुम्हें। मीरा ने मना किया था किसी से बात कर, और तुमने इतना अरसा ये बात मुझसे भी छुपाए रखी। मुनीर, मैं आपको बताना चाहती थी, बट मुझे डर था कि आप फिर से साइम के किए की सजा मुझे ना दे। तुम प्लीज रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बड़ा धोखा किया तूने मेरे साथ। मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई थी तेरे लिए, अपनी माँ के साथ मिलके मुझे छोड़ने की तैयारी करे। आज तू जिंदा नहीं बचेगा। ए ऐसा बता मुझे, छोड़ मेरे बेटे को, उसकी हालत नहीं देख रही, जान लेगी क्या उसकी? अरे इससे तो बेहतर था तू मर ही जाता, कम से कम तेरी घटिया असलियत मेरे सामने ना आती। छोड़ दे मेरा हाथ। तेरी असलियत तू अच्छी तरह से जानती है। ठीक है तो तुझे छोड़ के जा रहा था, तू है इसी लाइन। अरे तुम लोग मुझे क्या छोड़ोगे, मैं थूकती हूँ तो माँ बेटे पे। जा जा, जहां जाना है ना चले जा। खा तो गई है मेरे बच्चे को, और क्या करेगी इसका। दरवाजा खुला था, मैम इमरान से मिलने आई थी। ये मेरा इमरान, मौत के मुंह से वापस आया मेरा बच्चा। ये सब कैसे हुआ? ट्राले से एक्सीडेंट हुआ, दोनों टांगों से माजूर हो गया। I'm so sorry, मुझे पता नहीं था, मैं तो किसी और बात को लेकर आई थी। इसकी किलकिल खा गई मेरे बच्चे को। इमरान शायद ये वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन वो सबूत। बाजी कुछ भी नहीं बचा, सब सब खत्म हो गया, सारे सबूत खत्म हो गए। एक्सीडेंट में मेरा फोन भी टूट गया। शहर आई थी, पासपोर्ट भी बर्बाद कर दिया, सब खत्म हो गया। अस्मा कितना डरी डरी सहमी सहमी रहने लगी है, मुझसे बात करने के लिए भी उसे पहले सोचना पड़ता है। बहुत ज्यादती की है मैंने उसके साथ, जानता हूं कि वो कितनी हसास हो गई है, फिर भी उसके सामने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखता। अस्मा एक बार पहले भी इंतहाई कदम उठा चुकी है, कहीं माँ के सदमे से वो खुद को। नहीं नहीं, मुझे अस्मा के साथ नरमी से पेश आने की जरूरत है, ताकि वो इस सदमे से जल्द अज जल्द निकल सके।
हसन मामा अब ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ अब मैं ठीक। मामा अब आप मुझे अपने साथ ले जाइएगा, मुझे आपके साथ रहना है। नहीं हो जानी, आपको बहुत जल्द अपने साथ ले जाऊंगी। ओके तुम चलो हसन। ये आपका घर नहीं है, यहाँ बदतमीजी के इससे मुझसे छीन नहीं सकते। मैं भी चाहूँ तो हंगामा करके ले जाऊँ उसे, लेकिन इसलिए नहीं करती कि इससे फर्क पड़ेगा आपको नहीं, इसके दोस्त से सवाल करेंगे। ज्यादा फलसफा जानने की जरूरत नहीं है। क्यों आई हो? अपने बेटे को ये बताने कि मैं बहुत जल्द इसे हमेशा के लिए ले जाऊँ। तुम्हारा ये ख्वाब मैं पूरा होने नहीं दूंगा। और आपका यही भरम मुझे तोड़ना है। मामा मुझे आपके साथ रहना है। बहुत जल्द जी, बहुत जल्द मैं आपको हमेशा के लिए ले जाऊंगी। ओके ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। चलो हसन चलो। नो माय लॉन्गर। ओके मामा चलो बेटा आ जाओ आ जाओ। कैसा था, हाउ वाज योर डे? कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा खुदा